तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है यार, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आइए आज बात करने वाले हैं हम लोग कि लास्ट 40 to 50 डेज में कैसे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को कंप्लीट करें। इस हर एक क्वेश्चन पे जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में होता है कि यार कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितनी देर पढ़ें, ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखें कि हमें अच्छे मार्क्स मिले, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हर स्टूडेंट के माइंड से में कि यार क्या करें, क्या करें कि यार अच्छे से अच्छा कर जाएं। लेकिन केवल प्रैक्टिकली उसको सोच के उस बातों को, उस चीज़ों को अप्लाई नहीं करते, केवल कहते रहते हैं यार क्या करें, अरे यार क्या करें, क्या एग्ज़ाम आ गया है पढ़ो। अब ठीक है, कैसे पढ़ें वो मैं यहाँ बता सकता हूँ, क्या क्या पढ़ें ये बता सकता हूँ, ठीक है, मैं केवल एक वीडियो बना के आपको समझा सकता हूँ क्या सही तरीका है। लाइफ में यूज आपको करना है, मैं यूज करूँगा नहीं, लेकिन यार अगर आप 10th के हो, 12th के हो, BSc हो, BCA हो, या कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप अगर चीज़ों को केवल सुन के अवॉइड करके चले जाते हो तो कोई मतलब नहीं रहता यार। वीडियो आप ढूंढते हो एग्ज़ाम के टाइम में, मोटिवेशन मोटिवेशन, अरे क्या यार, खुद को मोटिवेट करो ना, कोई दूसरा कैसे आपको मोटिवेट कर सकता है, आप इतने कमज़ोर हो कि आप दूसरे के मोटिवेशन पे डिपेंड हो, गलत है। खुद को मोटिवेट करो, डेली मोटिवेट करो। खैर, उन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं, आइए जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ये सब टॉपिक मैंने एक मेथड लिया है, ठीक है, इसी मेथड को मैं इन सब जो क्वेश्चन आपके माइंड में चलते रहता है ना कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितनी देर पढ़ें, है ना, मैंने क्वेश्चन लिख भी दिए हैं, कैसे कम डेज में सिलेबस कंप्लीट करें, क्या करें कि पेपर अच्छा हो, और भी कई सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसी सब पे। देखिए, सबसे पहले आर मतलब रीड, ठीक है, अब भाई एग्जाम आने वाला है ना, लास्ट में लापरवाही करें तो एग्जाम तो डूबेगा ही, ठीक है, लेकिन ये पता नहीं है कि हम क्या पढ़ें, तो भाई सिंपल सी चीज़ है ना, अगर आपने अब तक स्टडी की है या नहीं की है, डजेंट मैटर, नहीं पढ़े हो तो भी ठीक है, इस टाइम लग जाओ, ठीक है, सब अच्छा होगा, पढ़े हो तो भी ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको करनी है। क्या करनी है, किसी भी चीज़ में आप चाहे BSc करो, चाहे 10th है, चाहे 12th है, चाहे और कोई एकेडमिक चीज़ है या कोई कंपटीशन भी है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कंसॉल्ट लेनी है। कंसॉल्ट में आप लास्ट 5 साल, ठीक है, या इस लास्ट 5 साल में जो प्रीवियस ईयर है, मान लो 2020 में आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, जो 2019 का पेपर है उसको अभी साइड रखे रहो, ठीक है, इसकी भी बात करूँगा लेकिन अभी नहीं, आप यहाँ 2018 17 16 15, ठीक है, बस इस 4 साल के पेपर को, ठीक है, जो जो क्वेश्चन आए हैं शॉर्ट लॉन्ग एग्जाम के, आपका जो पैटर्न है, ठीक है, अगर मैं BSc की बात करूं, सिलेबस बहुत लेंदी होता है, अगर आप एग्जाम में उस पूरे सिलेबस को लेके बैठते हो और सोचते हो कि मैं कवर कर लूँगा, ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप में इतना स्टेमिना है, आप सोचते हो कि कवर कर लूँगा, करो आप कवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले यार एक हमेशा हम लोग को एक सेफ साइड ढूंढ के या सेफ करना चाहिए अपने आप को, पहले सेफ कर लो ना, ठीक है, क्या करना है, पहले अनसॉल्व उठाओ, 18, 17, 16, 15 इन 4 ईयर के अनसॉल्व पेपर उठाओ, ठीक है, उसमें आप सिलेबस को उठाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज या यूनिट वाइज, मान लो हमने पढ़ाई नहीं है, हमने सिलेबस देखा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक नोट बनाओ, ठीक है, इस पूरे जो 4 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं एक कॉपी बनाओ, उसमें उसको लिखो, ठीक है, और ये 2019 के पेपर के साथ आपको जो करना है, ठीक है, चाहे आप कहीं पे भी हो, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करके आप तैयार करो, मतलब ये कोई मेथड नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, पूरा एनालिसिस किया हुआ चीज़ है, ठीक है, आप 2019 खासकर BSc की बात कर रहा हूँ, 2019 के पेपर को उठाओ, उस पेपर को उठाने के बाद आप उसके शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग में कन्वर्ट करो, उसके लॉन्ग क्वेश्चन से जितने शॉर्ट क्वेश्चन आप बना सकते हो उतने शॉर्ट क्वेश्चन बना के उसका एक नोट्स बनाओ, वो तैयार करो, ये तैयार करो, अगर आप इतना कर ले रहे हो, उसके बाद जो मन है आपका, एक सेफ आप हो गए ना,
ठीक है भाई, जो भी पेपर आएगा 2020 में अगर मान लो, ठीक है, तो वो जो भी एग्जामिनर होगा वो अनसॉल्व लेके बैठेगा, ठीक है, अनसॉल्व लेके बैठेगा। अनसॉल्व के हमेशा उसको आप ये चीज़ विश्वास, ये 100% श्योर है, या नहीं विश्वास होगा तो कोई अनसॉल्व उठा के उसमें अगर 2019 का पेपर देखोगे और लास्ट 5 साल का पेपर देख लेना, आप विश्वास मानो कि 70 to 80% क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिलेंगे, ठीक है, डैम श्योर, पूरा लिख के दे सकता हूँ। ठीक, अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कह देना कि नहीं सर आपने गलत बताया है, ठीक है, कि यार क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, फालतू की आपने बात की है, ठीक, एकदम आराम से कह देना, कमेंट करके चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कह देना फालतू आप बात करते हैं, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक होता है डिसलाइक कर देना, अगर मैं गलत हूँगा कहीं पे तो। 70 to 80% क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, तो हमें सिलेबस को पढ़ना है, अनसॉल्व उठानी है, लास्ट 5 साल के पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है, उसको पढ़ना है और कुछ फालतू काम नहीं करना है, ठीक, अगर हमने साल भर पढ़ा भी है तो भी ठीक, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक, लेकिन ये काम हमको लास्ट में करना है। इस काम को छोड़ के बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस निकालते हैं फालतू का, इधर उधर यूट्यूब पे पूरा डीपली बुक खोल के बैठ जाते हैं। भाई क्यों, जुलाई में कहाँ थे, जुलाई में कहाँ थे आप, अगस्त में क्या कर रहे थे, जब सेशन स्टार्ट होता है तब क्या करते हो, अब लास्ट में ये टाइम है, बुक खोल के बैठोगे पूरा बुक एनालिसिस करोगे, पीएचडी कर रहे हो, लिखोगे पूरा बुक, क्या मतलब है इस चीजों का, कोई मतलब नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो यार, बड़े हो गए हो आप लोग, ठीक, एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर लाने हैं वो सोचो ना, ठीक, बुक खोल के बैठे हो पूरा एनालिसिस कर रहे हो, फालतू की चीजें पढ़े जा रहे हो, पढ़ने बैठ रहे हो, अगर माइंड में मान लो आप मैथ लेके बैठ रहे हो, माइंड में केमिस्ट्री चल रहा है, क्यों चल रहा है यार, केमिस्ट्री में ये पढ़ लेते, फिजिक्स ये कर लेते, फोकस हो, डेली स्ट्रेटजी बनाओ, हर सिलेबस में या हर सब्जेक्ट में कह लो, किसी पेपर में कुछ आपको हार्ड लगता होगा, कुछ इजी लगता होगा, पहले इजी से स्टार्ट करो, क्यों पहले हार्ड पे जा रहे हो, हार्ड पे जाओगे फंस जाओगे, बोर हो जाओगे उसी में, छोड़ दोगे पढ़ाई बंद करके, कहीं घूमते हैं, चाय पी के आते हैं, नाश्ता करके आते हैं, ये वो सब काम करोगे, छोटी सी चीज लो, ठीक है, सबसे अच्छा इसीलिए कहा जाता है एग्जाम में जब आप लिखने बैठते हो कहा जाता है ना कि जो चीज आ रही है पहले उसको करो, जो नहीं आने वाली है वो उसको बाद में करो, क्योंकि जो चीज आपको जिससे डर लगता है, जो चीज नहीं आती है, चाहे एग्जाम में आप उसको करने बैठो, चाहे आप पढ़ते टाइम उसको लेके बैठो, तो यार डिमोटिवेट हो जाओगे, मन हट जाएगा, भाई पहले ही कठिन चीज आ गई ना, हम पढ़ने की जितनी मेरी स्टेमिना थी, जितनी ताकत थी, वो बूस्ट होने के बजाय वो और गिर गई, हम तो फालतू अपना टाइम खराब कर दिए, जो चीज़ नहीं आती उसको लेके बैठ गए, फालतू परेशान हो गए, या जो चीज़ हार्ड थी, सिंपल इजी से स्टार्ट करो ना, अपने माइंड को अपनी एनर्जी को बूस्ट करो, वो तभी होगा जब आप कोई छोटी सी चीज़ लेके बैठोगे, या जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, होता है जैसे मान लो आप बीएससी कर रहे हो, ठीक है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस ये सब और भी कई होते हैं, ठीक है, मान लो आपने ये कॉम्बिनेशन लिया है, ठीक है, तो क्या करना है, तीनों में से कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिससे आपको लगाव होगा, प्यार होगा जिससे, तो भाई जिससे प्यार है उसी को लेके बैठो, अच्छा है ना, कॉन्फिडेंस वो बूस्ट करेगा, ठीक, तो उस सब्जेक्ट को लेके बैठो, उसके अनसॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको प्रिपेयर करो, जब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए तो थोड़ा हार्ड वाला लेके बैठो, क्योंकि एग्जाम में करना तो सब है ना, ठीक। सेकेंड, एनालिसिस, ठीक है, वही बात जो मैं अब कर रहा था कि आप जब अनसॉल्व लेके बैठे हो तो उसमें एनालिसिस करो, होता क्या है, कुछ जरूरत की चीजें होती हैं, कुछ जरूरत की चीजें नहीं होती हैं, तो एग्जाम की चीज में फालतू चीज पढ़ने का यार कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, पूरा वही मैं बात कर रहा था, पूरा बुक लेके बैठो, लेंदी लेंदी हर एक चीज पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, जितने काम की चीजें है ना उसको एनालिसिस करो पेपर वाइज, उसको सॉल्व करो, उसको पढ़ो, फालतू की चीजें, फालतू का नॉलेज लेना इस टाइम, होता क्या है कि जो चीज एग्जाम में पूछने वाली है ही नहीं, जो चीज एग्जाम में पूछेगा ही नहीं उस पर हम ज्यादा टाइम दे देते हैं, जो चीज पूछने वाली उस पर टाइम ही नहीं देते, उसको छोड़ देते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो, जो चीज आने वाली है, जो चीज आएगी एग्जाम में उस पर ज्यादा ध्यान दो ना, उस पर टाइम दो, उसको पढ़ो, जो नहीं आने वाली पढ़ना ना यार, पीएचडी करनी है, रिसर्च करना है उस पर करो, एग्जाम के बाद खूब रिसर्च करो, टाइम मिलेगा ना, एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद न्यू सेशन आने तक आपको आराम से 1.5 2 महीना 3 महीना टाइम मिलता है, 2.5 महीना, ठीक, करो उसमें रिसर्च करो, पढ़ने का मन है उसमें पढ़ो, कौन रोक रहा है, लेकिन अभी तो एग्जाम देना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। थर्ड, नोट मेकिंग, सबसे बड़ी चीज, अगर आप
के पास खुद की सेल्फ राइटिंग का या खुद का बनाया हुआ नोट नहीं है, तो विश्वास मानो एग्जाम में आप कभी अच्छा नहीं कर सकते। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम एग्जाम के टाइम में दूसरे से नोट्स मांगते हैं, दूसरे के नोट्स का जेरोक्स कराते हैं, भाग भाग के नोट्स जुटाते हैं, उससे पढ़ते हैं। नहीं, गलत काम नहीं, ठीक है, ये काम नहीं करना है आपको। अगर ये काम करते हो तो आप ये जानो कि आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना आपने नहीं किया, ठीक। आप खुद के परसेंटेज को कह लो या रिजल्ट को कह लो, खुद डाउन कर रहे हो, ठीक। आप और अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपके पास खुद का लिखा हुआ नोट रहना चाहिए, ठीक। अगर खुद का लिखा हुआ नोट नहीं है, आप कभी अच्छा नहीं कर सकते। खुद की राइटिंग यार एकदम गधा हो, जो नहीं कहते हैं चिड़ई की टांग या जो भी कह लो वर्डिंग, है ना, बुरे से बुरी हो खुद की राइटिंग। लेकिन यार खुद की राइटिंग बहुत अच्छी लगती है, खुद का पढ़ा हुआ लिखा हुआ एक अलग ही होता है, वो समझ में आ जाता है हमको, ठीक। दूसरा कोई बहुत सुंदर लिखा है लेकिन वो उसकी हैंड राइटिंग है। कहा जाता है ना कि आप जहाँ पढ़ते हो जिस पेन जिस कॉपी से वो आपको लगाव हो जाता है, वहाँ एक एटमॉस्फियर क्रिएट हो जाता है। कभी आप ट्राई करके देखना कि आप डेली एक जगह पे बैठ के पढ़ो और आप एटमॉस्फियर को चेंज करके देखना, मन ही नहीं लगेगा। जैसे होता है ना एक जगह जहाँ हमारे सोने का प्लेस होता है, अगर उस सोने के या हमारे बेड का जो प्लेस है या हमारे पढ़ने का जो प्लेस है, अगर उसको हम चेंज कर देते हैं, तो साइंटिफिकली ये बात प्रूव है कि जहाँ आप जो भी काम प्रॉपरली डेली करते हो, अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर आपने चेंज कर दिया या उस प्लेस को चेंज कर दिया, तो होता क्या है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कनेक्ट कर लेता है आपसे, आपके अकॉर्डिंग। तो एक प्लेस डिसाइड करो जहाँ बैठ के डेली पढ़ना हो, ठीक है, अपना नोट मेकिंग करो, अपने नोट से पढ़ो, दूसरे पे डिपेंड मत रहो। सी, क्रिटिकली एग्जामिन, हमको पढ़ना जो है और जो हमको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है। होता क्या है, एग्जाम में हम लिखते हैं ना, मान लीजिए कोई चीज़ लिखे, ऐसे करके लिखे, गलत हो गया, काटो, काट दो, गंदा कर दो, गलत ना हो गया है। अरे भाई ऐसे लिख दिए, मान लो अगर ये गलत हो गया, सिंपली ऐसे काट लो या तो उसको रहने दो ना, क्यों गंदा कर रहे हो। खूब गोच देते हैं, पूरा गुस्सा उसी पे निकाल देते हैं, ये जो चीज़ नहीं आती उसको भी बना बना के एकदम डीप लिख देते हैं। क्या जरूरत है, टू द पॉइंट लिखो। अगर आप बीएससी में हो और टू द पॉइंट लिखते हो तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कहीं कोई नंबर मार्क्स कटने वाला नहीं है। खूब फालतू का उसमें लिख देते हैं, जो क्वेश्चन पूछा नहीं है वो भी भर देते हैं, जो पूछा है वो उसका आंसर रहता ही नहीं है। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप जब कॉपी में लिखते हो एग्जाम में, तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए, यार मैं एग्जामिनर को पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब पढ़ा रहा हूं का मतलब ये नहीं कि उसको मुझे रिसर्च करवाना है, यार लो ये भी ये भी ये भी ये भी ना, ऐसा नहीं। टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन पूछा है जितना आप आंसर दे सकते हो, अच्छा आंसर दे सकते हो उतना दे करके हट जाओ, क्यों टाइम खराब कर रहे हो उसमें। लेंदी लिखोगे टाइम भी जाएगा, फालतू की चीजें रखोगे, कोई पढ़ेगा उसको इरिटेट होगा एग्जामिनर, जितना मार्क्स देना उतना नहीं देगा, काट देगा, ठीक। पढ़ाई की जो लैंग्वेज होती है ना, होता क्या हम चीज़ों को समझे रहते हैं, है ना, एनालिसिस नहीं किए रहते हैं, अनसॉल्व उठा के उसको पढ़े नहीं रहते हैं, तो हम वहाँ पे पूरा रिसर्च करके आ जाते हैं एग्जाम के 3 घंटे में, यार देखल जाए जवानाई, है ना, ऐसा होता है, ठीक। अच्छी बात है देखल जाए जवानाई, ये बात ठीक है, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे आप लिखने बैठते हो तो वहाँ पे रिसर्च मत करो भाई, अच्छे से लिखो ना उसमें, ठीक। टू द पॉइंट लिख करके हट जाओ, ठीक, जितना पूछा गया है। एच, एच का मतलब होता है हेल्पिंग अदर। मान लीजिए अब आपने सिलेबस उठाया, अनसॉल्व उठाया, लास्ट 5 साल के क्वेश्चन, ये जरूर करना है आपको। बार बार मैं इस पे कहूँगा कि एग्जाम के 40 दिन आपके पास बचे हैं, 40 से 50 दिन, लास्ट 5 साल के और हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने हैं, और उसको पहले तैयार करना है, पहले सेफ जोन में हमें चले जाना है, उसके बाद जितना हमको इधर उधर रिसर्च करना होगा हम एग्जाम के बाद कर लेंगे, या उतना तैयार करने के बाद फिर डीप हम नॉलेज लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी लोगे तो अपना नुकसान करोगे आप, ठीक है। उसके बाद एच, हेल्पिंग अदर्स, हमने जो पढ़ा, ठीक है, जो अनसॉल्व के क्वेश्चन है या जो भी हमने सीखा है ना अनसॉल्व सॉल्व करके, विश्वास मानो अगर आप इतने 5 साल के अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हो, तो आप खुद ही गेस कर लोगे कि इस बार कौन सा क्वेश्चन देने वाला है या किस टाइप का देगा, और आपका गेस फंस भी जाएगा, ठीक है। इतना तो होता है, अगर आपने 5 6 साल 7 साल का अनसॉल्व देख लिया और उसको लिख के एनालिसिस करके पूरा उस पर अच्छे से मेहनत कर ली, तो आप खुद एनालिसिस कर लेते हो कि यार इस बार ये क्वेश्चन देना चाहिए, इंपॉर्टेंट है,
ये हर बार मैक्सिमम अल्टरनेट आता है या 2-3 साल पे कवर करके देता है, ठीक है। तो आप खुद जो गेस करोगे, आप देखोगे कि एग्जाम में वो गेस फंस जाएगा आपका, और ये मान के चलो कि नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आने वाला है, ठीक है। होता क्या है, मान लीजिए हम 5 साल का आंसर पढ़ लिए, तैयार कर लिए, खुद पे ही विश्वास नहीं है, यही विश्वास नहीं रहता है कि यार ये भी आएगा कि नहीं एग्जाम में, ठीक। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं आया तो ये नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। हमको ये मानना ही नहीं है कि ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा यार, ये सिलेबस की क्वेश्चन है, सिलेबस का पूरा क्वेश्चन कवर करके 5 साल का पेपर बनाया गया, अब उसको पढ़ रहे हो आप, क्यों नहीं आएगा, इसी में से आएगा और कहीं से नहीं आने वाला है, पूरा ये विश्वास करके आप पढ़ो। अगर आप ये विश्वास करके पढ़ते हो तो अच्छा करोगे, उसमें आपका 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए अगर ऐसा होता है जो पढ़ा हुआ नहीं है या जो अलग से आया है, तो पहले आपने कॉपी पे खूब अच्छा अच्छा लिख दिया, ठीक है, जो पढ़ा हुआ था जो आपको आता था, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें रिसर्च कर दो, क्या करना है, रिसर्च कर दो ना, छोड़ो मत एक भी क्वेश्चन, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन लास्ट के शॉर्ट बचे, लॉन्ग बचे, छोड़ोगे क्यों, अगर टाइम बचा है तो उसमें रिसर्च कर दो, जो पढ़ के गए हो वही लिख के आओ, नहीं ध्यान गया तो लह जाएगा, ठीक है, नहीं लेता है तो क्या जाता है, वैसे भी तो हम उसको छोड़ के ही आने वाले थे, इससे सही 1-2 नंबर एक्स्ट्रा हो गया, या नहीं भी होता है तो क्या गया, कुछ नहीं गया, हमने तो एक ट्राई मारा था, हो गया हो गया, छोड़ने से तो अच्छा है उस पूरे से पूरे 3 घंटे का आपको यूज करना है अच्छे से, हेल्पिंग अदर, ठीक है। आप जिन्हें जो पढ़ा है वो दूसरों की हेल्प करो, दूसरों को समझाओ, दूसरों को कहो कि भाई ऐसे पढ़, ये मैंने पढ़ा है, आओ बैठ तुझे पढ़ाता हूँ, ठीक है। पढ़ाने से क्या होगा, वो चीजें आपको याद हो जाएंगी, खुद की हेल्प करो, कोई नहीं मिलता है तो कॉपी बंद करो, खुद पढ़ो, शॉर्ट नोट बनाओ, माइंड मैप बनाओ जो चीजें आपने पढ़ी है। सबसे लास्ट ओ, ऑप्टिमाइज, ठीक है, किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करके पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि इतना आपने पेपर सॉल्व किया, इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, कई क्वेश्चन का प्रूफ है ना बेसी में होता है, जैसे जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि यार कई सारे थ्योरम्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसके 2 के प्रूफ सेम होंगे, थोड़ा सा ही चेंजिंग होगा, क्या क्या करो आप लोग, हमेशा हम कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें शॉर्ट नोट, ठीक है, शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप जरूर बनाने चाहिए, ठीक। उससे होता क्या है कि आपने रीड किया, एनालिसिस किया, नोट मेकिंग किया, क्रिटिकल एग्जामिन किया, है ना, हेल्पिंग अदर किया, जब आप यहाँ ओ पे पहुँचे, ठीक है, तो ऑप्टिमाइज करना बहुत ही बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये समझ लो। जब तक आपने चीज़ों को पढ़ा है, अब उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, माइंड मैप नहीं बनाओगे, तो फिर जब आप इस रीड इस आर पे पहुंचोगे, है ना, जब आप फिर पढ़ोगे तो फिर स्टार्टिंग से आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं मुझे स्टार्टिंग से, यार मैंने इतना टाइम खराब कर दिया यहाँ तक आने आते आते, है ना, मैंने यहाँ तक आते आते 15-20 दिन, 1 महीना, 30-40 दिन, जितना आपको टाइम लगे, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, ठीक है, इतना टाइम मैंने दे दिया, अब फिर मैं वहां से क्यों स्टार्ट करूं, मैंने एक नोट बनाया है, ठीक है। चीजों को ऐसे बनाओ, बीएससी में क्या होता है, थ्योरम्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, है ना, कुछ फिजिक्स के थ्योरेटिक हो गए बहुत लंबे लंबे हो गए, कुछ थ्योरम आते हैं, कुछ डेफिनेशन आती हैं, उसमें जो चीज काम की चीज है, ठीक है, उसको लिखो ना, ठीक है, फालतू लैंग्वेज को मत लिखो, ये नहीं कि पूरा पोथा बना दिए, इतना मोटा सा बना दिए, नहीं, कोशिश करो शॉर्ट से शॉर्ट, है ना, आप उस चीज को माइंड से एनालिसिस कर पाओ, ठीक है, कुछ उसमें ट्रिक लगाओ, है ना, या कुछ जैसे भी, सब कोई अपना जानता है अपने माइंड को, ठीक है, किसी का लेवल अप होता है, किसी का डाउन होता है, ठीक, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है, आप अपने आप को खुद एनालिसिस करो, आपका जो भी स्टैंडर्ड हो, जिस भी तरीके से आपको कोई बहुत शॉर्ट बना देता है उसमें रिवाइज कर देता है, कोई थोड़ा डीप बनाता है, किसी को शॉर्ट चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, किसी को डीप ही समझ में आता है, तो भाई जैसे आपको समझ में आता है उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, जैसे आपको समझ में आता है एक नोट्स बनाओ, हाँ नोट्स ऐसा रहे कि जिसको आप एग्जाम के टाइम में पूरा पोथा ना लगे कि यार कि खोलते ही यार इतना पढ़ना है, नहीं इतना रहे, काम चल जाएगा, है ना, इतना रहे कि आप उसको रिवाइज कर पाओ। और जैसे बात आती है कि यार कितनी देर पढ़ें, तो कितनी देर कोई होता नहीं है, कोई बंदा है जो 8-8 घंटे पढ़ता रहता है, कोई उस चीज़ को 2 घंटे में ही कवर कर लेता है, कोई उस चीज़ को 1 घंटे में ही कवर कर लेता है, तो ये अपना अपना लेवल है, आपका जो लेवल है आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मशीन मान के, मशीन वर्डिंग में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि अगर आप मशीन नहीं मानोगे तो आप सोचोगे कि नहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, ठीक है पावर नैप लो, थक गए हो सो जाओ आराम करो,
लेकिन टाइम को फालतू जगह मत लगाओ। अब वो टाइम नहीं रह गया, फालतू जगह लगाओगे तो भाई एकदम फैक्ट बात है, अपने रिजल्ट को खराब करोगे। अगर अपने रिजल्ट को खराब करना है, वो रिजल्ट हमेशा लाइफ टाइम आपके सामने रहेगा। आप देखोगे, कहोगे कि नहीं यार मैंने ये गलती नहीं की रहती, पढ़ रहे हैं, किसी दोस्त यार किसी का फोन आ गया, घर में भी कोई कुछ कहता है, नहीं यार ये काम कर दे, अगर जेन्युइन नहीं है, ठीक है, फालतू का काम है, अवॉइड कर दो, मना कर दो साफ, बुरा लगेगा, ठीक है, हो सकता है आपको भी अंदर से बुरा लगे, उसको भी लगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, जब उसको दिखाओगे, तब उसकी वो जो उसको तकलीफ होगी जब आपने मना किया, तब उसको अच्छा लगेगा कि नहीं यार जेन्युइन नेचर था, एकदम सही रीजन था इसके मना करने का, लड़का पढ़ रहा था या बिटिया पढ़ रही थी, रिजल्ट में दिखना चाहिए वो चीज़। उम्मीद करता हूँ कि आप इस रेंचो मेथड को अप्लाई करोगे। रेंचो इसलिए नाम कि आपको याद रहेगा, है ना, याद करने का भी बहुत बढ़िया नाम है, थ्री इडियट्स से हम रेंचो को कोरिलेट करके उसके नाम को याद कर लेंगे, और लास्ट के जो आप बचे हुए आपके 40 से 50 डेज हैं, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे, अच्छे से उसका यूज करोगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।